दोस्तों बिग बॉस का शो पहले दिन से ही लाइमलाइट में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग ग्रुप्स में बंट गए हैं, जहां यूजर्स से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी लोग अपना रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। वहीं बिग बॉस के बीते एपिसोड में यानी कि वीकेंड के वार पर बहुत कुछ शॉकिंग रहा, जहां बिग बॉस ने ईशा के हाथ में एलिमिनेशन की बागडोर दे दी और उन्होंने ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया। उनके पास चॉइस थी अनुराग डोभाल, अंकिता लोखंडे और नील में भी वो किसी को भी बाहर कर सकती थी, जिस पर यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईशा जो है वो यूके राइडर को ही चूज करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या को चूज किया और वो घर से बेघर हो गई। तो ऐसे में अगर ऐश्वर्या को ईशा चूज नहीं करती तो यूके राइडर का भी एविक्शन हो सकता था। इस पर ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया है, जहां एल्विश यादव अपने दोस्त यूके राइडर के सपोर्ट में उतरे हैं और उन्होंने उनके सपोर्ट में ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए एल्विश ने लिखा है, ऐसे क्यों लग रहा है कि बिग बॉस वाले अनुराग को किसी न किसी तरह निकालना चाह रहे हैं, पब्लिक वोट से तो पॉसिबल नहीं है। वेल, इस पर यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं, जहां एक यूजर का कहना है कि ऐसा लग रहा है और पता नहीं कब ये लगना हकीकत में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं एक और यूजर का कहना है कि सही बात है एल्विश भाई, अनुराग के ऊपर से ये एविक्शन टल तो गई, वो भी बाय लक और उसकी अच्छाई की वजह से। जिस पर एक और यूजर ने लिखा है कि आप जब बिग बॉस में थे तब मजा आता था, अब तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। वेल दोस्तों, नो डाउट बाहर एल्विश का सपोर्ट तो है ही यूके राइडर के लिए और उनकी अपनी जनता भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि उनको बहुत ज्यादा वोट्स देती है और घर के अंदर कुछ ना करने के बावजूद भी उनको यहाँ तक लेकर आई है। अब भाई ये अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि मेकर्स एक एक कर सबको ही घर से बाहर निकालेंगे जो कॉन्टेंट नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में ईशा मालविया को पावर देना भी मेकर्स की चॉइस थी और उनकी एक चाल थी, जिसमें कि अनुराग फंसे तो नहीं है, लेकिन व्हाट इफ अगर ईशा जो है वो यूके राइडर को घर से बेघर कर देती तो क्या ये फेयर डिसीजन होता? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।